What are the questions? इट्स अ वेरी गुड थिंग कि ये होता है एंड वेरी प्राउड एंड हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री जहाँ पर ऐसे एसोसिएशन है स्पेशली सिंटा जो एक एक्ट फेस्ट करती है टू इनक्रेज द टैलेंटेड यूथ एक्टर्स और एनी फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल पर्सन इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्री. डू यू मिस मतलब आपको भी आपने ऐसा सोचा कि बचपन में काश हमें जिस जिस तरीके से आपने आज लाइटिंग के स्टूडेंट्स को अपने टाइम में आपने कभी सोचा काश हमारे पास ऐसी एक सहूलियत होती? अब नहीं मुझे तो लगा नहीं था कि ऐसी सहूलियत हो सकती है स्पेशली इन बॉलीवुड. वही तो कह रहा हूँ कि इट्स अ वेरी गुड थॉट कि किस तरह सिंटा वाले मिलके एक्टर्स के लिए ये एक वर्कशॉप जैसा चीज़ बनाया है इन्होंने. तो और खुशी ये होती है कि तुम्हें बुलाते हैं, हमें बुलाते हैं टू गाइड पीपल एंड हम अपना मोमेंट शेयर कर पाते हैं उनसे. दैट्स अ वेरी नाइस थिंग एंड आई एम हैप्पी दैट इट्स गोइंग ऑन. अहमद जी दो सवाल है. एक तो आपने जो याद बताई बहुत शानदार थी, सीधे ही वाली मैं चाहूँगा थोड़ा सा बताएं. हम बहुत छोटे थे एंड श्रीदेवी जी से बहुत कुछ सीखा हमने इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, डांसिंग एंड हाउ टू कंडक्ट योरसेल्फ ऑन सेट्स. बड़ी क्वाइट रहती थी और लगता नहीं था कि अभी इसे बैठी है, चुपचाप गेम खेलती थी कुछ ऐसा स्क्रैबल या कुछ, और टेक होता था तो शी इज़ टू कम एंड सडनली एक्सप्लोड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड कट होता था, शी इज़ टू गो बैक एंड स्टार्ट प्लेइंग. तो हम लोग सोचते थे ये ऐसा कैसा होता है कि हाउ कैन अ पर्सन चेंज, इट्स लाइक अ स्प्लिट पर्सनैलिटी बट दैट इज़ एन एक्टर. तो वो तो हमने बहुत सीखा उनसे. सर एक चीज़ और, पूरा देश आज शोक मना रहा है, आपको ही पता है कि कल पुलवामा में बहुत बड़ा आतंकवादी. जी जी किस तरह से आप चाहते कि रिटेलिएट? आई कंडेम इट कम्प्लीटली एंड इट्स पैथेटिक. बहुत ही यार, इतना कैसा इंसान के पास वक्त है इतना फालतूगिरी करने का? यू नो वक्त के साथ साथ यू नीड हाउ यू हैव दैट माइंड सेट एंड कोई अपने बेचारे जो बॉर्डर पे खड़े हैं दे आर नॉट देयर, दे आर नॉट गोइंग इनटू सुसाइडल मिशन. वो भी काम कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, इट्स बेसिकली अपने परिवार को पाल रहे हैं. यार तुम सोच भी नहीं सकते हो कि यार तुम एक सिर्फ यूनिफॉर्म को नहीं मार रहे हो, एक परिवार को तकलीफ में डाल रहे हो एंड यू आर हर्टिंग सो मेनी सेंटीमेंट्स. आई कंडेम इट कम्प्लीटली. जी देखो बागी 3 की तैयारी चल रही है, स्क्रिप्ट हो गई है एंड एक्टर्स लॉक हो गए हैं. नाउ आई एम एक्साइटेड एंड किक्ड टू गेट ऑन फ्लो एंड बागी 2 जहाँ हमने छोड़ी थी डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि इतना प्यार जब ऑडियंस का मिला है तो बहुत मेहनत करके उसे और ऊपर ले जाएं एंड मेक बागी 3 द आंसर टू ऑल द रैम्बोज एंड फास्ट एंड फ्यूरियस एंड MI सीरीज. सो इट विल बी अ कंटिन्यूएशन फर्स्ट पार्ट से, क्योंकि श्रद्धा इज आल्सो जॉइंड अगेन. सो या इट वोंट बी अ पार्ट फर्स्ट पार्ट का कंटिन्यूएशन. श्रद्धा बिकॉज शी वॉज बागी की पार्ट, शी इज़ अ पार्ट ऑफ बागी. तो स्क्रिप्ट नहीं है, सब कुछ नया है, रॉनी नया है. तो आप जब देखोगे तो बोलोगे हाँ यार, पार्ट 1 के बाद जब पार्ट 2 हमने एक दहलीज पे ले जाके रखा, यू विल रियली से हाँ यार दिस गाइस हैव वर्क्ड हार्ड. श्रद्धा वाज लव्ड बाय जो भी इन्होंने स्टंट्स किए थे बागी जी. सो बागी 3 में वी कैन एक्सपेक्ट द स्टेक्स आर बीन हायर. बागी में एवरीथिंग इज हायर, ऑल द स्टेक्स. आप श्रद्धा क्या क्या, आप टाइगर का भी जो एक्शन देखोगे इज एक्चुअली मेनी नॉचेज हाई बिकॉज ही इज गोइंग फॉर स्पेशल ट्रेनिंग फॉर 2 मंथ्स एंड व्हेन ही विल कम बैक यू विल फाइंड यार बॉलीवुड में ऐसा हीरो भी हो सकता है ऐसा लगेगा. सो डेफिनेटली विद श्रद्धा वील गेट इन ऑल दी एस्पेक्ट्स जो 1 के बाद श्रद्धा कैन डू इन 3. तो शी इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर एंड वेरी इन एक्शन फिल्म में एक हीरोइन का क्या दर्जा हो सकता है, शी विल प्रूव अ पॉइंट इन दिस. तुम लोग क्यों गर्मी में अपने आप को सड़ा रहे हो? आप बेटर क्यों वहाँ करते हो खुद गर्मी में? सारा
अनायता रजित जॉनी भाई 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 इतना आगे क्यों जा रहे यार राइट में देखिए सारा जी आपके सामने सारा जी आपके सामने Sushant, come there on that side. थोड़ा साइलेंस है यार ठीक है मैं क्या कहूँ मैं बहुत ही अपने आप को लकी मानती हूँ कि मुझे ऐसे इवेंट पर बुलाया गया है और हम जानते हैं कि अगर हम एंटरटेनमेंट के किसी भी भाग को सेलिब्रेट करते हैं तो यहाँ आज लोग एक्टिंग को सेलिब्रेट करते हैं और ऐसा फेस्टिवल यहाँ है नहीं तो पहली बार जो ये फेस्टिवल को सब यहाँ साथ मना रहे हैं मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है और मैं बहुत ही खुश हूँ और अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे यहाँ पर यहाँ आमंत्रण किया गया है ताकि मैं आप लोगों के साथ
ये सब कर सकूं और इस चीज़ की शुरुआत आप लोगों के साथ कर सकूं। सो थैंक यू मैम। जी मैम, उसके बारे में तो मैं अभी आपसे कुछ कह नहीं सकती, लेकिन एक दो घंटे में सबको पता चल जाएगा। मैम ऑनेस्टली ना, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग जब किसी भी तरह से किसी भी घिनौनी चीज़ को सुनती हूँ तो गुस्सा तो आता है, डर भी लगता है, चोट भी फील होती है। तो ये सारी भावनाएं बहुत ही नॉर्मल हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ऑब्वियस भी हैं। हम ह्यूमंस हैं, दीज आर ह्यूमन इमोशंस, तो फील तो होता ही है। देखिए सर, अभी इतना सब तो हम नहीं जानते ना, हम नए नए आए हैं तो इतना हमें नहीं पता। हमें बस इतना पता है दैट एज एन एक्टर एंड एज अ वेरी न्यू एक्टर, अभी मतलब 3 महीने भी नहीं हुए हैं मुझे, इस जैसे फाउंडेशन का हिस्सा बनना मेरे लिए एक प्रिविलेज की बात है। सिंटा से जुड़ना मेरे लिए एक मतलब बहुत ही बड़े प्रिविलेज की बात है। और यहाँ जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोगों के काम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो हम लोगों के लोगों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, आई थिंक दैट ऑल इन ऑल अ बॉडी लाइक सिंटा मेक्स एवरीबडी दैट बिलोंग्स टू इट फील सेफ एंड सिक्योर। आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ सिंटा टुडे। थैंक यू जी। नहीं एक्चुअली हमने नहीं देखी है, लेकिन हम आज ही जाने वाले हैं देखने के लिए। थैंक यू सो मच। सिंटा के साथ तो मैं पिछले 25 वर्षों से जुड़ा हूँ, लेकिन ये एक्ट फेस्ट पहला अध्याय है इसका, सिंटा कर रही है। और इट्स लाइक आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, सो दिस इज ऑफ द एक्टर्स फॉर द एक्टर्स बाय द एक्टर्स। तो चूँकि पहला अध्याय है सब, मैं पहला अध्याय में पहली बार आया हूँ तो रास्ता खोज रहा हूँ कि क्या होगा क्या क्या करेंगे। और फॉर मी ऑल्सो इट्स अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, आई थिंक एक बार फिर से हो जाए उसके बाद बात करेंगे। किस तरीके से बदला लेना चाहिए ये आप चाहती है कि मैं सजेस्ट करूं? देखिए ये सब ये जो बातें हैं ये बहुत ही, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। 42 जवान्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, अदर्स आर क्रिटिकली इंजर्ड। एसेंशियली देयर आर 42 फैमिलीज राइट नाउ हु आर इन मोर्निंग एंड द रेस्ट ऑफ द फैमिलीज आर इन यू नो ग्रीफ बिकॉज द जवान्स आर क्रिटिकली इंजर्ड। इट्स अ सीवियर डेंट इन आवर नेशनल सिक्योरिटी, सो आई डोंट थिंक इट शुड बी टेकन सो लाइटली एज टू किस तरह बदला लेना चाहिए। वो है हमारे, वी हैव यू नो डिफेंस डिपार्टमेंट इन प्लेस एंड इट्स अ सीरियस मैटर विच यू नो नीड्स टू बी एड्रेस्ड सीरियसली, नॉट वाइल इट्स नॉट अ सब्जेक्ट दैट वी शुड ड्वेल इन टू राइट नाउ। जी मेरे हिंदुस्तान के जवान, तो ये बहुत, ये प्लीज़ कृपया आप इस मैटर को इतना फ्रिवोलस ना करें। यू इमेजिन दोस 42 फैमिलीज हुज सन्स हैव पास्ड अवे, इट इज एक्चुअली अ डे ऑफ मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस, बट दिस इज वर्क लाइक दिस है, शो मस्ट गो ऑन। अंदर जाना, कहाँ जाना?
ये जो भी पुलवामा में हुआ है वो दुखद है और इसकी जितने शब्दों में भी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए या अपना गुस्सा जाहिर किया जाए वो बहुत ही कम है। 40 लोग जो मारे गए हैं उनके परिवार वालों को मेरी तरफ से बहुत सारी श्रद्धांजलि, जो उनके ऊपर गुजर रही होगी हम में से कोई भी उसको मतलब महसूस ही नहीं कर सकता। और जहाँ तक बात है बाकी लोगों के गुस्से की, पूरे देश के गुस्से की, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सरकार से ज़्यादा उस स्थिति में कोई नहीं है कि क्या निर्णय लिया जाए, इसलिए सरकार के ऊपर ये छोड़ दें और सरकार का जो भी निर्णय होगा उसमें हम सब लोगों की भागीदारी होगी, उसमें हम लोगों का साथ होगा। सर, एक्ट फेस्ट के बारे में क्या? एक्ट फेस्ट एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो कि सुशांत और हमारे साथियों ने लिया है एसोसिएशन की तरफ से, जहाँ पे सारे के सारे अभिनेताओं को बुला करके न सिर्फ उनके अपने संघर्ष के बारे में जानना, उनकी यात्रा के बारे में जानना, बल्कि जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है, एक बहुत बड़ा लेसन है कि कोई भी मकाम बिना संघर्ष के हासिल नहीं होता है, कोई भी मकाम बिना दरिया से को पार किए हुए और आग से गुजरने के बिना वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता। तो एक बढ़िया समय है जहाँ पे आप अपने लोगों को सुने, उनसे सीखें और आपस में एक वार्तालाप हो, आपस में एक संवाद का जरिया बने, ये एक आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से बहुत बड़ा कदम किया गया। और सुशांत, अमित बहल, इन सब लोगों के नेतृत्व में एक सिंटा को जिस तरफ लेके जाया जा रहा है वो बहुत ही रचनात्मक है और बहुत ही सकारात्मक है। श्रीदेवी जी को बहुत सारी श्रद्धांजलि, देश हमेशा उनके योगदान को सराहेगा, याद करेगा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सर, पुलवामा में जो अटैक हुआ है, 40 सीआरपीएफ के जवान हमारे शहीद हुए हैं, जी पूरा देश गुस्से में है, हर कोई चाहता है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप एक एक्टर होने के नाते क्या कहना चाहेंगे, एक नागरिक हैं देश का? मैं यही कहूँगा कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है और हम अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ तैनात हैं उनके साथ अगर ये हादसा हो रहा है तो हम सचमुच बहुत बड़े संकट में हैं और हमें सारे तरीकों से इस संघर्ष को कम करना होगा, मिटाना होगा। अब इसकी राय देने के लिए मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ कि हर तरह से बातचीत करके, संघर्ष करके हमें शांति का कोई मार्ग ढूंढना होगा। थैंक यू। हाँ जी, फर्स्ट टाइम आयोजन किया गया, मेरी बात बताना चाहता क्या बता। अच्छा, फोटो तो ले लेंगे। हाँ, ओह अच्छा अच्छा, चलिए चलिए। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। हम तो अपने आप मतलब समझिए, मैं कुछ 25-30 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन आज भी ये ज़रूर होता है कि अपने कलीग्स के सामने, जिनके साथ मैं काम करता आया हूँ, उनके सामने हमें जज किया जाए या कुछ बताया जाए, तो हमेशा नए लोगों के लिए वर्कशॉप्स बहुत सारे होते रहते हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड एक्टर के लिए अब नए एवेन्यूज़ ढूंढने के लिए, नए कुछ तरीके ढूंढने के लिए कुछ भी होता नहीं है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सिंटा, जो हमारी अपनी बॉडी है, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और इतना शानदार एक्ट फेस्ट किया है, उसका मैं उनका जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। थैंक यू सो मच। सर, फोटो करें, फोटो करें। Thank you.
ये बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत पहले होना चाहिए था, भले देर आए दुरुस्त आए जिसे कहते हैं। ये जो फेस्टिवल है हमारा सिंटा एक्ट फेस्ट यस एक्ट फेस्ट, ये बहुत खुशी की बात है। देखिए हम लोग इतने प्यार से मिल रहे हैं सब आर्टिस्ट लोग, और लोग भी देखना चाहेंगे हमारे हम कैसे फेस्टिवल बनाते हैं, लोग भी देखना चाहेंगे, ये अच्छी बात है सबके लिए और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और सिंटा कर रही है ये एक्ट फेस्ट जो है सिंटा कर रही है। सर जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों पर हमला हुआ, तो सर इसे क्या रिएक्शन होगा? क्या इसका क्या रिएक्शन होगा? बहुत दुख की बात है, तकलीफ होती है और हर देशवासी को तकलीफ पहुंची इस बात से। बस सब यही कहेंगे कि उनकी फैमिलीज को ऊपर वाला हिम्मत दे, और जो लोग इस वक्त घायल है उनके लिए हम दुआ करते हैं कि वो जल्दी से अच्छे हो जाए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? या सारी फैमिलीज को सपोर्ट है और प्रेयर्स हैं सारी फैमिलीज को, ताकि गॉड उनको स्ट्रेंथ दे, और जो इंजर्ड हैं हम चाहेंगे कि उनकी रिकवरी जल्दी से हो। जी अभी आप इंडस्ट्री में आई हैं, एक्ट फेस्ट भी स्टार्ट हो गया है सिंटा के नाम, क्या कहेंगे, कितना आपके लिए बेनिफिशियल? बहुत खुशी है कि मैं इस सिंटा का हिस्सा हूँ, इस एसोसिएशन का हिस्सा हूँ। इतने सीनियर एक्टर्स हमारे बीच आए हैं आज एक्ट फेस्ट में, तो उनसे सुनकर उनको देखकर बहुत अच्छा लगा है। तो डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से मेहनत करूँगी इस एसोसिएशन में, वट एवर दे नीड फ्रॉम मी आई विल डू, एंड आई एम हैप्पी दैट उन्होंने मुझे बुलाया है फॉर दिस ओकेजन टुडे। Thank you very much. मुझे लगता है बहुत ही कमाल का इनिशिएटिव लिया है सिंटा ने। एक्टर्स हमें एंटरटेन करते हैं, एक्टर्स को हमेशा पर्दे के सामने रखा जाता है, लेकिन एक्टर्स के लिए कुछ करना वो भी एक्टर्स के द्वारा, और वो भी सिंटा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उससे, और इतनी बड़ी तादाद में मुझे लगता है सिंटा ने जिस जिसको कहा सब यहाँ मौजूद हैं। So I think it's a beautiful act of unity and something that it's a great effort to encourage the actors. Aur har ek ko kahin na kahin hausla afzai ki zarurat hoti hai. Jis tarike se Jammu Kashmir mein attack hua hai, kya kahenge uske liye, aap kya keh sakte hain? It's a very very shocking thing that has happened, and I hope a strict action is taken against it, and we just don't do away with just lighting candles and we do more about it. Thank you. मुझे लगता है कि सिंटा में ये जो ईसी है हमारी, वो जिस तरह की सोच रखती है एक्टर्स की कम्युनिटी के लिए कुछ करना, बहुत बेहतरीन काम करना, एक्टर्स को एकत्रित करना, उनके अलग अलग जो पहलू हैं वो दूसरों के साथ रूबरू करना, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये पहल बहुत बहुत उम्दा है। और इसका स्वरूप मुझे लगता है कि ये शुरुआती दौर है, उसके बाद में और बड़ा होगा, होते रहेगा। एंड चूँकि मुंबई एक सीट है यू नो एक्टिंग कम्युनिटी की इन अ वे, सो दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म, दीज आर द राइट काइंड ऑफ सेमिनार्स, दीज आर द राइट काइंड ऑफ वर्कशॉप्स टू हैव, ताकि लोगों को पता चले कि एक्टिंग है क्या एक्चुअली। ये जो एक यू नो ग्लैमर को लेके आते हैं कि एक्टिंग ये सारी चीज़ें हैं, वी आर ट्राइंग टू डीकोड दैट फॉर पीपल, सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट ग्रेट इनिशिएटिव। एक आम नागरिक के तौर पे मुझे इस बात का हमेशा दुख होता है कि इतने यंग जवान हमारे जो हैं वो अपने परिवारों को छोड़ के एक तो ऐसी ऐसी जगहों पे तैनात हैं जहाँ पर अपने देश की सुरक्षा उनके हाथ में है, उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, और हम बस झगड़ते रहते हैं अपने अपने बीच में, हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, हम सेल्फिश होते हैं, कहीं ये नहीं सोचते उनकी तरह कि हम देश के लिए काम करें। अगर हमारी भी सोच उनकी तरह होती तो कितना अच्छा हमारे देश के लिए होता, ये मैं हमेशा सोचती हूँ। और उनकी आत्मा को
भगवान शांति प्रदान करें और हम सबको सद्बुद्धि दे भगवान कि हम अच्छे नागरिक साबित हों और उनका जो बलिदान है वो मतलब खर्च ना हो, ऐसे ही जाया ना हो। मैं यही कहूँगा कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए ताकि हम एक्टर्स की भी कोई सुने, मतलब टेलीविजन एक्टर जिनको बोलते हैं कि समय नहीं मिलता, हम अपनी बात जो है आप तक पहुँचाएँ, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये बहुत दुखद बात है और हर बार हमारी गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत स्टर्न एक्शन लेना चाहिए। मुझे लगता है सिर्फ टेबल पर बातचीत जो है, इससे आगे की बातचीत होनी बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए बहुत बहुत ही बुरा दिन है आज का, मतलब इट्स अ सैड डे टुडे। एक्टफेस्ट के बारे में, जी तो एक्टफेस्ट का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक बिलोंगिंग वाली फीलिंग होती है कि हम भी एक एक एसोसिएशन है जो हमारी है, हम एक्टर्स की है, हमारे लिए खड़ी है। हम एक बहुत ही अच्छा फीलिंग आता है जब आप किसी चीज़ को बिलोंग करते हो। आप ऑफिस जाते हैं, लोग स्कूल जाते हैं, तो सब जगह हमारी टीम, हमारे लोग, तो यहाँ एक्टर्स जो एकजुट हुए हैं उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं एक पार्ट उसका। आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड एंड इलेटेड वेरी इन अ वे। सो दैट्स व्हाट एक्टर्स पुलवामा में जिस तरीके से हमारे शहीदों पर हमला हुआ है, जिसमें 44 जवान हमारे शहीद हुए हैं, क्या कहें। कभी भी कोई अटैक जब होता है तो ऑफकोर्स वो दुखद ही होता है एंड नहीं होने चाहिए, ये कहकर हम बात को टाल नहीं सकते, बिकॉज एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बातें करने से कि हम करेंगे या होगा, बट आई थिंक इट्स टाइम व्हेन इंडिया शुड स्पीक अप। हाँ, ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है, ये बहुत पहले होनी चाहिए थी। बहुत देर से ये इंटरेक्शन पब्लिक के साथ, मीडिया के साथ, या हम क्या कहना चाहते हैं, या जो एस्पायरिंग एक्टर्स है उन्हें हम क्या मैसेज देना चाहते हैं, बहुत पहले शुरू होना चाहिए था। लेकिन अब शुरू हुआ है, देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छी शुरुआत है और ये उम्मीद है कि इस साल, हर साल ये और बड़े लेवल पर हो। अटैक के बारे में कहना क्या है, बहुत बुरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, बहुत ही शॉकिंग है। एक और चीज़ ये है कि अभी बहुत ज़्यादा इस पर सिर्फ बातें बहुत हो गई है, एंड आई थिंक क्योंकि पहले भी ये सुनने में आया था कि हम ये ख़त्म कर देंगे, हम यहाँ पर ये बॉर्डर हम लगा देंगे, वहाँ से हम आने नहीं देंगे, डीमोनेटाइजेशन के बाद टेररिज्म ख़त्म हो गया है, या पहले की सरकार जब थी तो पाकिस्तान को लव लेटर्स लिखना बंद कर देना चाहिए, सीधा अटैक करना चाहिए, इस किस्म की बातें पहले हुई है। लेकिन फिर मैं देख रहा हूँ कि वापस हम वहीं के वहीं आ जा रहे हैं, फिर वही बातें हो रही है, फिर वही, फिर दोस्ती की बात होती है फिर अटैक हो जाता है, फिर दोस्ती की बात होती है फिर अटैक हो जाता है। तो इसका एक सोल्यूशन निकलना चाहिए और ये टेररिज्म और ये मार धाड़, ये किलिंग, ये सब ख़त्म होनी चाहिए। देखिए भाई, पहले तो यही बात हुई थी जब ये सरकार आई थी, इसके पहले तो यही बात हुई थी कि इंडिया को लव लेटर्स लिखना बंद करना चाहिए, हमको अटैक करना चाहिए, डीमोनेटाइजेशन के बाद टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वी अगेन बैक टू, लगता है हाँ बहुत अच्छा, फिर वापस वी आर बैक टू स्क्वायर वन। बार बार ऐसे ही होता है, दोस्ती की बात करते हैं फिर कोई अटैक आ जाता है, फिर दोस्ती की बात करते हैं फिर अटैक आ जाता है। तो इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, इसका सोल्यूशन ऑफकोर्स कोई भी सोल्यूशन, चाहे अटैक, चाहे नेगोशिएशन, चाहे जो भी है,
ये टेररिज्म, ये किलिंग, ये ख़त्म होनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है ये देख करके एक्टफेस्ट हो रहा है, और जैसे अभी जनाब ने बताया कई साल पहले हो जाता तो और भी अच्छा होता। मैं उस ज़माने से एक्टिंग कर रहा हूँ जब टीवी नहीं होता था, तो 12 साल की उम्र में था, तो इंटरेक्शन थिएटर में ऑडियंस के साथ होता था, और अभी विजुअल डिजिटल मीडिया के थ्रू वो हो रहा है, और बड़ी अच्छी बात है। अगर जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं और जो लोग हम जैसे एक्टर्स बनना चाहते हैं, अगर उनके साथ इंटरेक्शंस हों तो डेफिनेटली इट विल बी यू नो फ्यूल फॉर देम, और हमें ऐसे मौके मिले नहीं थे, तो अच्छा है कि नाउ वी आर इन अ पोजीशन वेयर वी कैन बी एबल टू कम्युनिकेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज एक्टिंग इज सच अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, और इतनी सारी खूबियाँ हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, और लोगों को गलत फहमियाँ भी बहुत हैं आम तौर से। जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोग मिलते हैं वो हमेशा कहते हैं मेरे लिए रोल है क्या, मैं कर लूँ एक्टिंग, होता है ना, तो गलत फहमियाँ बहुत हैं, तो ऐसे प्लेटफॉर्म से वो गलत फहमियाँ भी दूर हो जाएंगी और एक और भी अच्छा बॉन्ड बनेगा। Well, it's not only shameful and disgusting, and I know that a lot of viewers are not going to like this, but I'm a son of an army officer. My father was Lieutenant General K. Surendra Singh, and he fought all the wars. And he used to always say that Pakistan will never, never respond to dialogue. An eye for an eye, a bullet for a bullet. Shoot them down. आई थिंक बहुत एक्साइटिंग है। जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना था मुझे लगा कि दिस इज़ द ग्रेट आइडिया, ये पहले क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हर फील्ड का अगर आप देखें हर आर्ट फॉर्म का एक फेस्टिवल होता है, यू हैव म्यूजिक फेस्टिवल्स, यू हैव लिटरेचर लिटरेरी फेस्टिवल्स, यू हैव यू नो फिल्म फेस्टिवल्स, बट एक एक्टर्स को डेडिकेटेड फेस्टिवल अभी तक नहीं हुआ था। एंड आई बिलीव इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स स्पेशली आई थिंक सिंटा हैज़ बीन वेरी प्रोएक्टिव विद दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, स्पेशली द लास्ट ईयर व्हेन they took a stand on so many things and there were so many things done for the actors, so I think isse better idea ho hi nahi sakta tha, and I'm very very excited to be here. kal main pura din bahar thi, usually I read these things on Twitter, but jab maine आज अर्ली मॉर्निंग एक्चुअली लेट लास्ट नाइट टुडे अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई रेड अबाउट इट आई वाज वेरी शॉक। तब तक काफ़ी सारी न्यूज़ अपडेट्स इस पर आ चुकी थी, और यू नो द काउंट ऑफ सोल्जर्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स एंड देन द होल पॉलिटिकल ब्लेम दैट हैपेंस, बट ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स वेरी शॉकिंग, वेरी इट रियली हिट मी, लाइक फॉर सम टाइम आई रेड एंड आई जस्ट डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट, एंड दैट्स आई मीन सीआरपीएफ जवान्स हु आर, मैं कश्मीर बहुत जाती रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, एंड द होल सिटी इज़ लाइक यू नो देयर आर सीआरपीएफ जवान्स एवरीवेयर इन द स्टेट, एंड दिस वाज मतलब कोई कैसे कोई कह भी नहीं सकता होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा, एंड ऑफ दिस डिग्री आई रियली होप दैट दे गेट जस्टिस। आई माई डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिली। आई थिंक इससे ज़्यादा हम कुछ कह रहे हैं कि पोजिशन में नहीं है। बहुत खुशी है कि ऐसी एक चीज़ शुरू की है हमारे
सिंटा के लोगों ने, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने, बहुत अच्छा लगता है जब सब एक छत के नीचे सब एक्टर्स आके इतना इंटरेक्शन करते हैं. लोगों को एहसास होता है कि यू नो व्हाट वी आर गोइंग थ्रू इन डिफरेंट मीडियम्स एंड टेलीविजन क्या है, फिल्म्स क्या है, कैसे बनती है. लोगों को यहाँ आने में बहुत ग्लैमरस लगता है सबको एंड बहुत अच्छा लगता है. बट द डिफ़िकल्टीज दैट एवरीबडी फेसेस, द चैलेंजेस दैट वी फेस, द स्ट्रगल्स दैट वी गो थ्रू, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल ऑफ दैट. एंड आई थिंक ये एक सेलिब्रेशन है, सो इट्स लवली कि हम सब यू नो मिलके इसको हम सब एक्टर्स इन फैक्ट मिलके इसको इनक्रेज करें एंड सालों सालों तक ये चलना चाहिए फेस्ट. इट्स ऑब्वियसली एक्सट्रीमली शॉकिंग, वेरी डिसहार्टनिंग. इनफैक्ट आज पूरे दिन मतलब आई वॉज इन, आई मीन यू नो कौन से दिन पे इन लोगों ने ऐसा किया. द होल वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग 14th फेब्रुवरी एज अ लव डे, अ वैलेंटाइन डे. एंड वैलेंटाइन नेसेसरली डज नॉट मीन लव फॉर योर लवर, इट मीन्स लव फॉर एवरीबडी, लव फॉर ह्यूमैनिटी. वॉट हैव दे डन एंड वाई हैव दे डन इट. But all said and done, I mean, you know, we are helpless. We are here, and I can only say that my condolences to the families of the jawans. And because they are there, we are safe. So all that one can say is thank you so much. Haath jodke. Thank you.